तो अब इसका मतलब ये लग रहा है, दोनों बातें हैं अजीत जी, इसका मतलब एक तो अगर ये पॉपुलैरिटी को आप इस सर्वे को जनता का एक्चुअल मूड मान लें, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ये बात तो ये स्पष्ट करता है कि जनता मन बना रही है एक को चैलेंजर के रूप में पेश करने का, वो फ्रैक्चर्ड ओपिनियन नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि अब एक के तरफ उनका ओपिनियन बनता जा रहा है और वो एक नेता ढूंढ रहे हैं मोदी को चैलेंज करने के लिए। क्या ये दिखता है, क्या ऐसा ट्रेंड? हाँ, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स का यदि स्टडी किया जाए तो ये बिल्कुल यही ट्रेंड दिखता है। ये लगता है कि इनकम्बेंट नरेंद्र मोदी वेरी पॉपुलर और मेन चैलेंजर राहुल गांधी उनके नजदीक आते जा रहे हैं। सही बात आपने कहा, ऑपोजिशन वोट्स जो है, इंडिया अलायंस का वोट मानिए या ऑपोजिशन का वोट, वो एक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है राहुल गांधी के पीछे। तो क्या हुआ, एक पहले जो इमेज था कि भाई राहुल को ही बीजेपी चाहती है एज ऑपोजिशन लीडर क्योंकि उससे बीजेपी फिर से जीतेगी, वो इमेज खत्म हो गया। अब लग रहा है कि राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी इतना बढ़ा है कि वो अभी चैलेंजिंग पोजीशन पे नहीं भी हो बट सबसे लार्जेस्ट चैलेंजर हैं मोदी के। ये तो क्लियर कट हुआ है और ये मेरे अनुसार हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। 6 महीना जो राहुल गांधी साउथ से लेकर नॉर्थ तक वॉक किए और मतलब लाखों करोड़ों लोगों से मिले, उस समय जो है उनका एक रिवाइवल हुआ, उसको कह सकते हैं पुनर्जन्म हुआ पॉलिटिकली। और अपोजिशन जी, अजीत जी, अपोजिशन के लोग ये भी कहते हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के लोग, कि ये जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री की, ये एक मैनेज्ड पॉपुलैरिटी है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ मीडिया प्रेजेंस। आप अगर 24 घंटे तक चारों तरफ लोगों के दिमाग को मोदी 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 करते रहेंगे तो एक सामान्य लोग जो कि बहुत क्रिटिकल थिंकिंग के नहीं हैं, वो सामान्य तरीके से ओपिनियन दे देते हैं कि लगता तो है साहब मोदी ही है, मोदी ही है, मोदी ही है, मोदी ही है, और इस तरह से जो है ये एक फॉल्स पॉपुलैरिटी जो है सामने रखा जाता है। अगर 24 घंटा मोदी और राहुल 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 भी शुरू हो जाए और तब अगर पॉपुलैरिटी रेटिंग आप लें तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पॉपुलैरिटी 100% कभी भी मैनेज नहीं हो सकता है मेरे अनुसार। मैं जितना समझता हूं इलेक्शन सर्वेस को, जब लोग देखिए रैंडम सैंपलिंग होता है, छोटे छोटे गांव में भी जाते हैं क्योंकि आखिर रैंडमाइज्ड है, तो बहुत बार जो हम लोगों से बात करते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग सर्वेस, वो उन्होंने देखा ही नहीं है सोशल मीडिया।